वेट लॉस अचीव करने के बाद मैं चाहता था कि मेरा शरीर सुंदर दिखे। इसके लिए वेट लॉस के साथ साथ या तो मसल मास बढ़ाओ या फिर जितना है उतना मेंटेन करो। और ये करने के लिए चाहिए प्रोटीन, जितने किलो के आप हैं उतने ग्राम प्रोटीन, मेरे केस में 89 ग्राम्स। वहीं दूसरी तरफ वेट लॉस करने के लिए ओवरऑल कैलोरीज कम खानी पड़ती है। मेरा डेली कैलोरीज का बजट था 1850 कैलोरीज, तो किसी भी हालत में इससे ज्यादा कैलोरीज नहीं खा सकते, इससे ज्यादा खाया वेट लॉस होगा ही नहीं। इससे दो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। सबसे पहला तो प्रोटीन लो कैलोरी होना चाहिए। 89 ग्राम्स प्रोटीन पूरा करने के लिए 500 से 600 कैलोरीज के अंदर ही सब कुछ सिमट जाना चाहिए। प्रॉब्लम नंबर दो, प्रोटीन फिलिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी मील को रिप्लेस करके प्रोटीन खा लिया और आपका पेट फिर भी खाली रह गया, जिसकी वजह से आपको बाद में बिंज ईटिंग करना पड़े, जिसकी वजह से एक तीसरा प्रॉब्लम भी हो सकता है जो हम आगे देखेंगे। तो मैंने इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया और मेरे पास एक लिस्ट तैयार हो गई। और लिस्ट में सबसे पहले था दूध। दूध को प्रोटीन का अल्टीमेट सोर्स माना जाता रहा है। पुराने जमाने के बॉडी बिल्डर्स दूध के ड्रम पिया करते थे अपनी प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए। दूध के अंदर पर केजी सिर्फ 36 ग्राम प्रोटीन होता है। इसका मतलब मुझे अपनी डेली प्रोटीन की नीड मतलब 89 ग्राम पूरा करने के लिए लगभग 2.5 लीटर दूध पीना पड़ेगा। और यही नहीं, 2.5 लीटर दूध की टोटल कैलोरीज होती है 1500, मतलब मेरा 1850 का जो डेली बजट है उसमें से सिर्फ 350 और कैलोरीज बची है पूरे दिन के लिए। मेरी लिस्ट में नेक्स्ट थी दाल, जिसे पीपी के हरियाणवी पहलवान शक्तिशाली हुए जा रहे थे। 100 ग्राम दाल के अंदर 25 ग्राम प्रोटीन होता है, वेरी नाइस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 100 ग्राम दाल के अंदर 350 कैलोरीज होती है और मेरे दिन का प्रोटीन पूरा करने के लिए मुझे 350 ग्राम दाल खानी पड़ेगी, जो कि हो जाएगा लगभग 1225 के। आप देखेंगे कि दाल पकने के बाद एक्सपांड हो जाती है और इसलिए उसका साइज भी बढ़ जाता है। तो 350 ग्राम दाल मैं पूरे दिन में भी नहीं खा सकता, लेट अलोन इन वन सिटिंग। और इमीडिएटली मैंने नॉनवेज रूट सिलेक्ट कर लिया और वो नॉनवेज सिलेक्ट किया जिसे ज्यादातर चालाक लोग वेज भी कहते हैं, एग्स। एक अंडे के अंदर 6.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, मतलब मेरी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मुझे 14 अंडे खाने पड़ेंगे, जो कि हो जाएगी 1050 कैलोरीज। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि तीसरी प्रॉब्लम क्या है। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको ढेर सारा खाना खाना पड़ता है। अब अंडे ने काम नहीं किया तो हमने मुर्गी को पकड़ लिया। चिकन में 100 ग्राम के अंदर होती है लगभग 31 ग्राम प्रोटीन, जिसका मतलब मुझे अपनी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सिर्फ 300 ग्राम चिकन खाना होगा, जो कि टोटल होता है 495 कैलोरीज। जैकपॉट, ये होगा परफेक्ट प्रोटीन का सोर्स। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, चिकन रोज कौन खा सकता है। वॉट अबाउट वेज चिकन, पनीर। मेरी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मुझे लगभग 500 ग्राम पनीर खाना पड़ेगा, जो कि टोटल 1330 कैलोरीज होती है, अगेन अ फ्लॉप। व्हाट अबाउट सोया चंक्स, इसके 100 ग्राम में 52 ग्राम प्रोटीन होता है और 345 कैलोरीज होती है, मतलब मेरी दिन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मुझे लगभग 180 ग्राम सोया चंक खाना पड़ेगा, जिससे लगभग 621 कैलोरीज होती है, दैट्स परफेक्ट। एक्सेप्ट सोया चंक 5 से 7 गुना ज्यादा एक्सपांड होता है और वो एक्सपांड होने के बाद इतना सारा हो जाएगा कि उसे एक दिन में पूरा खाना मुश्किल हो जाएगा, लेट अलोन ईटिंग इट एवरी सिंगल डे। जिससे मुझे याद आया कि जिस चीज से हम बाकी चीजें खाते हैं उस चीज में कितना प्रोटीन होगा, मतलब रोटी और चावल। और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी डेली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मुझे लगभग 30 रोटी खानी पड़ेगी, 3 किलो चावल खाने पड़ेंगे। तब फाइनली प्रोटीन के लिए मैंने उस प्रोटीन सोर्स के बारे में सोचा जो सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब प्रोटीन शेक। लेकिन प्रोटीन शेक्स तो हेल्थ के लिए डेंजरस होते हैं ना, मैंने सोचा। तो मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया और मेरी रिसर्च में मैंने ये पाया कि प्रोटीन शेक्स बाइज़त बरी हुए। प्रोटीन शेक्स नॉर्मली 25 ग्राम प्रोटीन देने के लिए लगभग 130 कैलोरीज लेते हैं, मतलब मेरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए सिर्फ 500 कैलोरीज। ये तो बढ़िया है गुरु, लेकिन ये तो काफी महंगा होगा, ऐसा मैंने सोचा। और इसलिए ग्राम टू ग्राम जब मैंने प्रोटीन को बाकी सारे सोर्सेज के साथ कंपेयर किया तो मैंने पाया कि या तो वो सस्ता है या फिर उनके बराबर है। लेकिन फिर एक और प्रॉब्लम आके हमारा सर खाने लगी कि दिन में 3 से 4 बार प्रोटीन शेक कौन पिएगा। जिससे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलता है कि मैं सारी चीजों को छोटी या बड़ी मात्रा में पूरे दिन में अपनी डाइट में इंक्लूड कर लूं। और ये मैंने किया, इसलिए मैंने एक डाइट प्लान बनाया जिसमें सारी की सारी चीजें इंक्लूडेड थी। आप चाहे तो मेरे डाइट को डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो कर सकते हैं। इस डाइट प्लान को फॉलो करके मैंने 6 महीने के अंदर 13 किलो वजन घटाया। पहले मैं ऐसा दिखता था और अब मैं ऐसा दिखता हूँ। लेकिन सिर्फ इतना ही जानना काफी नहीं है, ये जानना भी जरूरी है कि डाइट हेल्दी है या लो कैलोरी, वरना आपकी डाइट 100% फेल हो जाएगी। यहाँ क्लिक कीजिए और जानिए। सी यू नेक्स्ट वन।